हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर चैप्टर को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 6, कंबस्शन एंड फ्लेम। तो इस चैप्टर के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। तो चलिए हम चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। We use different kinds of fuel for various purposes at home. मतलब हम अपने घरों में बहुत सी तरह के ईंधन जो होते हैं अलग अलग कामों के लिए प्रयोग में लाते हैं। In industry and for running automobiles, यही हम बहुत से businesses में भी use करते हैं और गाड़ियाँ भगाने के लिए भी बहुत से fuels को use करते हैं। Can you name a few fuels used in our home? क्या आप हमारे घरों में वो कुछ ईंधन प्रयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हो? Name a few fuels used in trade and industry, और कुछ ऐसे ईंधनों के नाम बताओ जो कि उद्योगों में मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में यूज़ में लाए जाते हैं। What fuels are used for running automobiles? तो जो अलग अलग गाड़ियाँ हैं उन्हें चलाने के लिए हम कौन से ईंधन को प्रयोग में लाते हैं? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, etc. तो जो आपकी लिस्ट होगी उसमें होगा cow dung, मतलब जो गाय का गोबर रहता है वो, उसके अलावा लकड़ी हुई, कोयला हुआ, चारकोल हुआ, या फिर पेट्रोल डीजल हुआ, या फिर CNG गैस हुई। तो यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल, आप अच्छे से जानते हो कि जो हमारी मोमबत्ती है उसका जलना क्या होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल? तो सोचने की बात ये है कि एक मोमबत्ती के जलने में और कोयले के जलने में क्या फ़र्क है। मे बी यू वर एबल टू गेस राइट, हो सकता है आप अच्छे से अंदाज़ा लगा पाए हों। कैंडल बर्न्स विद फ्लेम वेयर एज कोल डज नॉट, जो कैंडल है जो मोमबत्ती है वो एक लाट के साथ मतलब जो आग होती है वो आग की एक लपट के साथ जलती है, जबकि जो कोयला है वो लपटों के साथ नहीं जलता। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटीरियल्स बर्निंग विदाउट अ फ्लेम, तो इस तरह से आपको और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि लपटों के बिना जलती हैं। लेट स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड टाइप ऑफ फ्लेम्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो चलिए आइए आप हम जलने के बारे में, जलने जब कोई चीज़ जलती है तो कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। What is combustion? अब जलना क्या है? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7. आप class 7 में उस activity को याद कीजिए जो आपके chapter 6 में थी, जहाँ पे magnesium का जो एक ribbon था उसे जलाया गया था। Hold the piece with a pair of tongs and bring it. We learned that the magnesium burns to form magnesium oxide. तो हमने ये सीखा था कि जो मैग्नीशियम है जब वो जल जाता है तो उसकी वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, एंड इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और वो हीट गर्मी भी पैदा करता है और लाइट भी पैदा होती है। नाउ वी कैन परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल, तो अब हम चारकोल लेकर उसके साथ यही एक्टिविटी करेंगे। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ टोंग एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम और ऑफ अ कैंडल और अ बंसन बर्नर, तो अब आप एक चारकोल के टुकड़े को धातु से पकड़े और उसको आप जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर लाएं या फिर एक बर्नर के ऊपर लाएं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे? वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, तो हम ये देखेंगे जो चारकोल का टुकड़ा है वो जलना शुरू हो जाएगा। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसेस द कार्बन डाइऑक्साइड, और हम ये अच्छे से जानते हैं जो कोयला है वो भी हवा में जल उठता है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। हीट एंड लाइट, और उसके साथ रोशनी और गर्मी मतलब ताप भी पैदा करता है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्शन, मतलब ऐसी केमिकल प्रक्रिया जिसमें कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और
हीट मतलब ताप पैदा करती है, तो उस रिएक्शन को, उस केमिकल चेंज को कम्बशन कहा जाता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कम्बशन इज सेट टू बी कम्बस्टिबल, मतलब वो चीज़ जो कम्बशन के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उस वस्तु के बारे में कहा जाता है कि ये कम्बस्टिबल है, मतलब जलने लायक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, तो उसे ईंधन भी कहा जाता है। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये जो ईंधन है ये ठोस भी हो सकता है, तरल भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकती है। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कम्बशन, तो कई बार जब कोई चीज़ जलती है तो उसमें से लाइट भी निकलती है, रोशनी भी निकलती है, ईदर एज ए फ्लेम और एज ए ग्लो, या तो वो एक लपट के रूप में होती है या फिर चमक के रूप में होती है। इन द रिएक्शंस मेंशनड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, तो अगर हम ऊपर बताए गए सब रिएक्शंस की बात करें तो इसमें जो मैग्नीशियम है और जो चारकोल है वो दोनों ही कम्बस्टिबल सब्सटेंस मतलब ज्वलनशील पदार्थ हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल ऑफ बॉडी, तो इस तरह से हमें कहा जाता है कि जो हमारा भोजन है वो हमारी बॉडी के लिए भी ईंधन का काम करता है। राइटली सो, बिल्कुल ऐसा ही है। इन आर बॉडी द फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस्ड, तो ये सच है, हमारे शरीर में जो भोजन है वो ऑक्सीजन की सहायता से आगे टूटता है, छोटे कणों में बढ़ता है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ये बात हमने क्लास 7 में भी पढ़ी है। तो अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एट्सेट्रा, मतलब आप ये कुछ सामान इकट्ठा करो। अब ट्राई टू बर्न दीज मटेरियल्स वन बाय वन, अब इस सामान को आप एक एक करके जलाने की कोशिश करो। इफ़ कम्बस्शन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कम्बस्टिबल, मतलब अगर वो चीज़ जलती है तो आप उसे कम्बस्टिबल मार्क कीजिए और अगर वो नहीं जलती तो नॉन कम्बस्टिबल, जैसे वुड है तो वो जल जाएगी, कम्बस्टिबल है, पेपर भी कम्बस्टिबल है, आयरन नेल्स लोहे की जो कीले हैं वो नहीं जलेंगी, दे आर नॉन कम्बस्टिबल, केरोसिन ऑयल जो मिट्टी का तेल है वो भी जल जाएगा, कम्बस्टिबल है, स्टोन पीस पत्थर का टुकड़ा नॉन कम्बस्टिबल है, स्ट्रॉ जो घास का टुकड़ा है वो जल जाएगा कम्बस्टिबल, चारकोल वो भी जल जाएगा कम्बस्टिबल, मैच स्टिक कम्बस्टिबल, ग्लास नॉन कम्बस्टिबल। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कम्बस्टिबल, तो कुछ आप और जलने वाले पदार्थों के बारे में बता सकते हो। लेट अस इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस अंडर विच कम्बस्शन टेक प्लेस, तो आइए अब हम उन हालातों के बारे में जानते हैं जब कोई चीज़ जलती है। एक्टिविटी 6.2, तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.2, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, तो आप एक टेबल पे एक जलती हुई मोमबत्ती रखें। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल, अब जो हमारी कैंडल है उसके ऊपर आप एक कांच की चिमनी रख दें। एंड रेस्ट इट ऑन फ्यू वुडन ब्लॉक्स, और इसे कुछ लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर अच्छे से टिकाओ। सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी, इस तरह से उसे रखो कि जो हवा है वो चिमनी में नीचे से जा सके। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, तो अब आप आग की जो लपट है उसे ध्यान से देखो। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, अब आप वो जो लकड़ी के टुकड़े थे उन्हें हटा दो और जो चिमनी है उसे टेबल पर रख दो। फाइनली अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, अब आप दोबारा से आग की लपटों को ध्यान से देखो। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी, अब ये जो चिमनी है इसके ऊपर एक ग्लास कांच की प्लेट रख दो। वॉच द फ्लेम, अगेन दोबारा से आग की लपट को देखो। वट हैपन्स इन थ्री केसेस, तो तीनों केसेस में क्या होता है। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या वो बुझती है, जलती बुझती है और उसकी वजह से धुआं निकलता है। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, क्या वो बिना किसी तकलीफ के जलती रहती है। वट कैन यू इन्फर एनीथिंग अबाउट द रोल प्लेड बाई एयर इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग, तो यहाँ पे आपको जो कम्बशन या जलने का प्रोसेस है उसमें आप देखोगे कि फिगर ए, जब आपकी जो तस्वीर ए है उसमें क्योंकि नीचे से उसे एयर की सप्लाई मिलती रहेगी तो आग लगातार जलती रहेगी। अब दूसरा जो केस है जहाँ पे आग जो है बी वाली जो फिगर है उसमें जब आपने उसको सीधे ही
टेबल पे उसको रख दिया तो जो आग है वो जलेगी, लेकिन थोड़ी उसकी जो लपट है वो यहाँ वहाँ हिलने लगेगी। और थर्ड केस, जब आप उसको अच्छे से ढक दोगे तो वो फ्लिकर करते हुए जब उसमें से पूरी ऑक्सीजन जल जाएगी तो जो आग की लपट है वो बुझ जाएगी और धुआं निकल आएगा। सो वी फाइंड दैट फॉर कम्बशन एयर इज नेसेसरी। तो हमने ये देखा कि किसी चीज़ के जलने के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस वेयर द एयर एंटर फ्रॉम द चिमनी फ्रॉम बिलो। मतलब जो फिगर ए है, जब नीचे से हवा जा रही है तो जो कैंडल है, जो मोमबत्ती है, वो आराम से जलती जा रही है। व्हेन द एयर डज नॉट एंटर फ्रॉम बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। और दूसरी बात, जब हवा नीचे से नहीं जाती दूसरे केस में, तो वहाँ पे जो आग की लपट है वो थोड़ा हिलती है और उसकी वजह से धुआं पैदा होता है। इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। और तीसरी वाली जो पिक्चर है उसमें जो आग है वो पूरी तरह से बुझ जाती है क्योंकि हवा नहीं है। इन द सन द हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाई न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर हम सूरज की बात करें तो वहाँ पे जो ताप है और जो गर्मी है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस। तो आप इस प्रोसेस के बारे में अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। अब हमारे पास है एक्टिविटी 6.3। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन अ आयरन प्लेट और तवा। अब जो हमारे पास एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा या फिर जलते हुए कोयले का जो टुकड़ा है उसे तवे पे रखो। कवर इट विद ग्लास जार, इसे आप एक कांच के बर्तन से ढक दो, और अ टम्बलर एंड और अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार, या फिर आप इसे एक ऐसे बर्तन से ढको जिसके आसपास देखा जा सके। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, तो आप देखो क्या होता है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग, क्या जो कोयला है वो जलना बंद हो जाता है आफ्टर सम टाइम। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग, आप ये सोच सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। यू माइट हैव हर्ड व्हेन द क्लोथ्स ऑफ पर्सन कैच फायर, तो आपने ये सोचा होगा, आपने ये सुना होगा कि जब भी किसी पर्सन की कपड़ों में आग लग जाती है, द पर्सन इज़ कवर्ड विद ब्लैंकेट, तो उसे कंबल से ढक दिया जाता है टू एक्सटिंग्विश द फायर, ताकि जो आग है उसे बुझा दिया जाए। कैन यू गेस वाई, आप सोच सकते हो ऐसा क्यों होता है। ब्लैंकेट इज़ रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लोथ्स कॉट फायर, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आग जो है उसका हवा से संपर्क ख़त्म हो जाए और आग अच्छे से बुझ जाए। सो नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब आप कुछ और बातों के बारे में सोचिए। डज ए मैच स्टिक बर्न बाय इट्सेल्फ, क्या जो माचिस की तीली है वो अपने से जलती है। हाउ डज इट बर्न, वो कैसे जलती है। यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, तो आपने कभी एक कागज़ के टुकड़े को भी जलते हुए देखा होगा। डज इट बर्न व्हेन द बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, क्या वो तब जलता है जब उसके पास हम एक आग की जलती हुई तीली लेकर आते हैं। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर, क्या आप एक आग लकड़ी के टुकड़े को एक माचिस की तीली से जला सकते हो। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन अ वुड और कोल, अब सोचने की बात है कि आपको जब भी लकड़ी जलानी होती है या कोयला जलाना होता है तो उसके पास एक जलता हुआ कागज़ का टुकड़ा क्यों रखते हो। वाई डू यू हैव टू यू Have you heard of forest fire? तो क्या आपने कभी जंगल की आग के बारे में सुना है। Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? तो इन सब बातों से आपको ये पता चलेगा कि अलग अलग जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तापमान पे आग पकड़ती हैं।
The lowest temperature at which the substance catch fire is called its ignition temperature. मतलब वो कम से कम तापमान जिस पे कोई भी चीज़ आग पकड़ लेती है उसे उसका ignition temperature, मतलब उसे उसका जलने वाला temperature बोला जाता है. Can you tell why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? तो क्या आप ये अच्छे से बता सकते हो कि जब कोई जो माचिस की तीली होती है वो एक कमरे में आग पड़ी होती है तो वो अपने आप से आग क्यों नहीं पकड़ती? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of a matchbox? और जब हम माचिस की तीली को माचिस की डिब्बे के एक साइड पे रगड़ते हैं वो तभी आग क्यों पकड़ती है? तो चलिए जानते हैं. द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड. जो हमारी माचिस की तीली है इसका इतिहास बहुत पुराना है. मोर देन 500 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैच स्टिक इन एंशिएंट इजिप्ट. तो तकरीबन 5000 साल पहले पुराने मिस्र में जो पाइन की लकड़ी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़ों को सल्फर में डुबाकर मैच स्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता था. मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो. तो जो माचिस की तीलियाँ हम आज देखते हैं ये केवल 200 साल पहले ही बनी हैं. द मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राई सल्फाइड पोटाशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विद सम ग्लू एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ अ मैच मेड ऑफ सूटेबल वुड. तो अक्सर जो मिक्सचर है वो बनाया जाता है एंटीमनी ट्राई सल्फाइड का, पोटाशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस. इन सबको एक छोटी सी ग्लू, थोड़ी सी गूंद के साथ, गोंद के साथ मिलाकर और कुछ थोड़े से स्टार्च के साथ मिक्स करके एक सही किस्म की लकड़ी के ऊपर लगाया जाता है. When struck against a rough surface, जब इसे किसी खुरदरी जगह पे रगड़ा जाता है, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. तो जो इसमें से white phosphorus होता है वो घर्षण की वजह से, friction होता है किसी चीज़ की रगड़ की वजह से, वो जो है वो जल उठता है. This started the combustion of the matchstick. और इसी वजह से जो माचिस की तीली होती है वो जलना शुरू हो जाती है. दिस स्टार्टेड हाउ एवर द वाइट फॉस्फोरस प्रूव्ड टू बी डेंजरस फॉर बोथ द वर्कर्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर अदर यूजेस. परंतु एक हैरानी वाली बात यह है कि जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो जो वर्कर जो लोग बनाते हैं मैच स्टिक उनके लिए और बाकी और प्रयोगों के लिए भी थोड़ा नुकसानदायक होता है. दीज डेज द हेड ऑफ अ सेफ्टी मैच स्टिक कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फेट एंड पोटाशियम क्लोरेट. तो आजकल जो माचिस की तीलियाँ हैं उसमें सिर्फ दो चीज़ें, एक एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटाशियम क्लोरेट ही डाला जाता है. द रबिंग ऑफ सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास. तो जो सरफेस जिस तल पे उसको रगड़ा जाता है उसमें कांच का चूरा एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस और थोड़ा सा लाल फॉस्फोरस जो होता है वो होता है. व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस, तो जब भी माचिस की तीली को रगड़ने वाली जगह पे रगड़ा जाता है सम रेड फॉस्फोरस गेट कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस. तो वहाँ पे जो लाल रंग, जो रेड फॉस्फोरस होता है वो वाइट फॉस्फोरस में बदल जाता है. दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटाशियम क्लोरेट, और ये तभी पोटाशियम क्लोरेट के साथ रिएक्ट करता है एंड इन द हेड ऑफ मैच स्टिक टू प्रोड्यूस इनफ हीट एंड इग्निट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड. और इसकी वजह से जो माचिस की तीली का हेड होता है वो काफ़ी, उसमें काफ़ी गर्मी पैदा हो जाती है और उसकी वजह से जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड है वो जल उठता है और कंबस्शन मतलब किसी उस तीली का जलना शुरू हो जाता है. तो इस तरह से हमने समझा कि माचिस की तीली किस तरह से केमिकल तरीके से जलती है. Now we find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. तो हमने अभी अच्छे से जान लिया कि कोई भी ज्वलनशील जो पदार्थ होता है, जो जलने वाली कोई भी चीज़ होती है, वो तब तक नहीं जलती जब तक कि उसके ignition temperature से नीचे उसका तापमान नहीं आता. Have you ever seen
Cooking oil catching fire when frying pan is kept for a long on a burning stove. तो अक्सर आपने किचन में ये देखा होगा, जब भी हम गैस के ऊपर बर्तन को रखते हैं तो उसमें जो कुछ जो उसमें तेल डाला होता है खाना पकाने के लिए, उसे आग पकड़ जाती है. Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. तो जो मिट्टी का तेल होता है या जो लकड़ी है वो अपने आप कमरे के तापमान पे आग नहीं पकड़ते. But if kerosene oil is heated a little, it catches fire. परंतु जो मिट्टी का तेल है अगर उसे थोड़ा सा गर्म कर दिया जाएगा तो वो आग पकड़ लेता है. If wood is heated a little, इसी तरह से अगर लकड़ी को भी थोड़ा सा गर्म किया जाए, it would still not catch fire, तब भी उसे आग नहीं लगती. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? तो क्या इसका मतलब ये है, जो हमारा मिट्टी का तेल है उसका ignition temperature लकड़ी के मुकाबले बहुत कम है. Does it mean that we need to take special care in storing the kerosene oil? तो इसका मतलब ये भी निकलता है कि जो मिट्टी का तेल है उसे संभाल कर रखने में हमें एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है. The following activity shows that it is essential for a substance to reach the ignition temperature to burn. तो नीचे की जो एक्टिविटी है वहाँ से आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि किसी चीज़ के जलने के लिए उसका इग्निशन टेम्परेचर पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है. एक्टिविटी 6.4, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे अपनी एक्टिविटी 6.4. मेक टू पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. अब आप पेपर की शीट को फोल्ड करते हुए दो कागज़ के कप बनाएं. पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप. तो एक कप पे आप 50 ml पानी डालो. हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद अ कैंडल. अब आप दोनों कप्स को अलग से मोमबत्ती की सहायता से गर्म करो. What do you observe? तो आपने क्या देखा. What happens to the empty paper cup? अब जो खाली पेपर का कप था उसे क्या हुआ, मतलब वो जल्दी से आग पकड़ लेगा. What happens to the paper cup with water? तो जो पानी वाला पेपर कप था वो बहुत धीरे जलेगा. Does water in this cup become hot? तो क्या इसमें जो पानी है वो गर्म हो जाएगा. If we continue heating the cup, अगर हम इन कप्स को लगातार गर्म करते जाएंगे, we can even boil the water in the paper cup, तो पेपर के ही कप में हम पानी को उबाल भी सकते हैं. Can you think of an explanation of this phenomena? तो क्या आप इसके बारे में बता सकते हो. The heat supplied to the paper cup is transferred to the water by conduction. मतलब जो पेपर कप है उसमें जो ताप मिल रहा है वो कंडक्शन की सहायता से पानी में ट्रांसफ़र हो रहा है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज़ नॉट रीच्ड. तो क्योंकि पानी है इसकी वजह से जो पेपर है उसका इग्निशन टेम्परेचर तक वो नहीं पहुंच पा रहा. हेंस इट डज नॉट बर्न. तो इसी वजह से जो पेपर है वो नहीं जल रहा. द सब्सटेंसेस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस. मतलब ऐसी वस्तुएं जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है और वो बड़ी आसानी से आग पकड़ लेती हैं, तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की वस्तुओं को इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहा जाता है. Examples of inflammable substances are petrol, alcohol, liquefied petroleum gas. तो ये जो inflammable वस्तुएं हैं इनकी examples हैं alcohol, जैसे शराब हुई, liquefied petroleum gas, LPG gas हुई. Can you list some more inflammable substances? अब कुछ और inflammable substances के बारे में सोचिए. How do we? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही. I hope आपको अच्छे से chapter समझ में आ रहा है. कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.